हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पाइथन के नए कोर्स के बारे में, जिसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। उसका सिलेबस है, उसका सिलेबस क्या है, कंटेंट्स क्या हैं, एंड इवन बहुत सारी चीज़ें आज आपको इसमें जानने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो शुरुआत है वो हमने सी लैंग्वेज को लेकर करी है, क्योंकि देखिए, जो लोग कोडर्स हैं या कोडिंग करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, कोडिंग में अगर आपको सी की जानकारी नहीं है तो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने सी के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें क्लियर किया है। सी के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं उनका यूज़ कैसे करते हैं, सबको हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है। सी के अंदर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक कंडीशन, लूपिंग, फाइल, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, इवन सी को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, तो जो इस कोर्स का पार्ट है और जो आपको इसके साथ फ्री मिलने वाला है। सेकेंडली, हम अगर पाइथन की बात करें तो पाइथन में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पाइथन फॉर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, यहाँ से आप लोगों को दो चीज़ों के बारे में पता चलेगा। पाइथन की जो फंडामेंटल चीज़ें हैं जिनके बारे में हम अब तक बात करते आए, वो सारी चीज़ें, एंड इसके साथ इसकी जो एडवांस चीज़ें हैं वो सीखने का आपको मौका मिलेगा। तो स्टार्ट टू एंड जो डिटेल्स में इंफॉर्मेशन है पाइथन को लेकर, वो आप जान पाएंगे। एंड थर्ड जो इसका पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपको जानने का मौका मिलेगा कि एडवांस कोडिंग, एडवांस कोडिंग का मतलब है कि जो भी चीज़ें अब तक हमने सीखी हैं सी के जरिए या पाइथन के जरिए, तो उनके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स आए हैं उनकी मदद से हम लाइव टूल किस तरह से बना सकते हैं, मतलब कोई भी टूल अगर हमें बनाना हो उसकी जो वर्किंग है, वो टूल किस तरह से काम करता है, फिर हम उसे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मौका मिलेगा इसके अंदर जानने का। एंड फाइनली, ये एडवांस कोडिंग होगी और टूल वगैरह किस तरह से क्रिएट करते हैं, इन सब की जानकारी आपको इसके अंदर दी जाएगी। अब मैं थोड़ा सा सिलेबस की तरफ आगे बढ़ता हूँ, एंड हियर यू विल गेट सम इन्फॉर्मेशन कि इसके अंदर अभी सिलेबस जो है वो फाइनल नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ही सिलेबस के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर हम काम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें सी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। देन सी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये देखिए, यहाँ से सबसे पहले ओवरव्यू आ गया, फर्स्ट प्रोग्राम कैसे रन करेंगे, बेसिक टोकन्स, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, कॉन्स्टेंट कौन कौन से हैं, डिसीजन मेकिंग हो गया जिसमें आपका इफ एल्स, लूप, एरे, स्ट्रिंग, फंक्शन, ये सारी चीज़ें। तो क्योंकि सी एक तरह से बेस है कोडिंग का मेरे हिसाब से, तो सी के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। तो यहाँ से आपको सी के जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, प्री प्रोसेसर्स वगैरह किस तरह से काम करते हैं, वो सारी चीज़ें। सेकेंडली, अगर हम पाइथन की बात करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पाइथन है, डेटा टाइप्स है, फ्लो कंट्रोल्स हो गए, मॉड्यूल्स हो गए, इसके पैकेजेस हो गए, स्ट्रिंग्स हो गई, एंड इन सब के अलावा पाइथन ऑब्जेक्ट्स हो गए, रेगुलर एक्सप्रेशन जिन्हें हम रेजिक्स बोलते हैं, मल्टी थ्रेडिंग, डेटाबेस कनेक्टिविटी, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। CGI एक तरह से कॉमन गेटवे इंटरफेस जो होता है उसके बारे में जानकारी है, तो CGI के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी इसमें आपको बताए जाएंगे। और उन सब के बाद फाइनली टूल क्रिएशंस की बात आती है कि इसकी मदद से हम लाइव टूल किस तरह से क्रिएट कर पाएंगे। जैसे कि लास्ट की वीडियोज़ में मैंने आपको दिखाया था कि Nmap का टूल हुआ, कैसे क्रिएट करेंगे, वाईफाई या पासवर्ड हैकिंग का जो टूल है वो हम किस तरह से कैप्चर और क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए आप लास्ट वाले वीडियोस मेरे देख सकते हैं, तो उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमने किस तरह से इसमें बताया, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को क्लियर करके उसमें बताया गया है। एंड फाइनली, आप सिर्फ इसको कोर्स की मदद से सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप सिर्फ ये सीखने वाले हैं कि भाई सी लैंग्वेज की कोडिंग है, पाइथन की कोडिंग है, या टूल क्रिएशन है, इन सब के अलावा भी आप नई चीज़ों के बारे में सीखेंगे जो क्या हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इन सब के साथ आप सीखेंगे, फंडामेंटल कोर्स के साथ आप सीखते हैं लाइक जो हैकिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे हैकिंग के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं लाइक पासवर्ड क्रैकिंग हो गया, ऑनलाइन हैकिंग हो गया, ब्रूट फोर्सिंग हो गया, स्कैनिंग, स्पूफिंग, मलवेयर क्रिएशंस, वेब स्क्रैपिंग, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हैकिंग के हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसी कोर्स के दौरान आप सीखेंगे जो कि हैकिंग के कॉन्सेप्ट है, यानी कि हैकिंग के बहुत जरूरी और एडवांस कॉन्सेप्ट्स लाइक वाईफाई हैकिंग को लेकर हुआ या सिस्टम या विंडोज़ हैकिंग को लेकर हुआ, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाएंगी। फिर वो चीज़ें मतलब किस तरह से हम कर सकते हैं, उनके लिए सॉफ्टवेयर्स या टूल्स हम किस तरह से बना सकते हैं पाइथन में, वो आपको बताई जाएगी। उन टूल्स को लेकर बाइंडिंग करना, पैकिंग करना, exe फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो सारा कुछ सी का पार्ट है। इन सब के अलावा आप नया सीखते हैं SQL के बारे में, SQL डेटाबेस जो होता है, मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, तो पाइथन की मदद से SQL की कोडिंग आप किस तरह से कर पाएंगे, डेटाबेस किस तरह से आप बना पाएंगे, नया रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं, इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, इंटरफेस कैसे करते हैं डेटाबेस के साथ पाइथन का, वो आप सीखेंगे। नए जो प्रोटोकॉल्स हैं जैसे HTTP हुआ, HTTPS हुआ, TCP प्रोटोकॉल हुआ, तो ये प्रोटोकॉल किस तरह से काम करते हैं और इन प्रोटोकॉल की मदद से हम कैसे हैकिंग को अंजाम दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप इस कोर्स का हिस्सा हैं। द नेक्स्ट वन इज़ क्रिएशन
ऑफ विंडो बेस्ड टूल, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, तो इन ओवरऑल आप विंडो बेस्ड टूल भी बना सकते हैं और आप लिनक्स बेस्ड टूल भी बना सकते हैं, यानी कि लिनक्स के टूल भी आप क्रिएट कर पाएंगे और विंडो के टूल भी आप क्रिएट कर पाएंगे, जो कि बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको बताया गया है। मैक्सिमम अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ तो अप्रॉक्स 16 आवर्स, लगभग ज़्यादा भी नहीं तो 16 घंटे से ज़्यादा का ये कोर्स होगा। इसमें लगभग 100+ वीडियोज़ हैं और इसका साइज़ अप्रॉक्स 6 GB बताया गया है। और लाइकवाइज द लास्ट टाइम इसमें 6 GB, अप्रॉक्स 6 GB ही होगा, उससे कम नहीं होगा कि लाइक 2 GB 3 GB, बिकॉज लास्ट टाइम उसे कंप्रेस कई बार कर दिया गया था, इसलिए उसकी जो साइज़ लिमिट थी वो कम हो गई थी। लेकिन अब की बार जो साइज़ है अप्रॉक्स 6 GB ही होगा और 6 GB से ज़्यादा भी हो सकता है। एंड इसकी जो रिलीजिंग टाइमिंग है वो है 21 अक्टूबर, यानी कि 21 अक्टूबर को ये कोर्स रिलीज़ हो रहा है। तो ये कोर्स से रिलेटेड कुछ खास चीज़ें थी और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हैं वो मैं आप लोगों के लिए लाता ही, और अगर आपको इस कोर्स को लेकर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज मुझे मेल करें। लिंक ईमेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा, mastersinethicalhacking@gmail.com। बाकी देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।